कोरोना काल में भारत पहले से ही बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर चुनौतियों का सामना कर रहा है। वहीं अब एक रिपोर्ट सामने आई है जिसने भारत की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। दरअसल सतत विकास लक्ष्य की एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग में 2 अंक की गिरावट देखी गई है। देखिए रिपोर्ट। कई मोर्चों पर चुनौतियों का सामना कर रहे भारत जैसे विशाल देश के लिए एक और बुरी खबर सामने आई है। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें दुनिया भर के देश शामिल हैं, जहां सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने वाले देशों को रैंकिंग के आधार पर रखा गया है। भारत के लिए बुरी खबर ये है क्योंकि 193 देशों की ओर से एजेंडा 2030 को अपनाने के बाद भारत सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में काफी पिछड़ गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे चला गया है। भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश जैसे देश भी भारत से इस लक्ष्य को हासिल करने में आगे नजर आ रहे हैं। जबकि भारत की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले भारत 2 स्थान गिरकर 117 पर आ गया है। भारत का स्कोर सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में 100 में से 61.9 मिला है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग पिछले साल 115 थी, लेकिन इस बार ये गिरकर 117 पर आ गया है, जिसके पीछे कई कारण बताए गए हैं, जिनमें भूख और खाद्य सुरक्षा, लैंगिक समानता, देश में लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण, समावेशी और सतत औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देना। ये सभी ऐसे विषय हैं जिन लक्ष्यों को पाना भारत के लिए अब भी चुनौती बना हुआ है। सतत विकास का एजेंडा 2030 संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों के द्वारा 2015 में अपनाया गया था। इसके तहत वर्तमान और भविष्य के लिए धरती और लोगों की शांति और समृद्धि की खातिर किए जा रहे उपायों का रोडमैप देना होता है। सतत विकास लक्ष्यों के बारे में तालमेल का काम भारत सरकार के नीति आयोग को सौंपा गया है। नीति आयोग ने इस बात पर जोर दिया है कि सतत विकास लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं में परस्पर जुड़े हुए हैं। राज्यों को भी सलाह दी गई है कि वे भी केंद्र के प्रायोजित योजनाओं के साथ साथ अपनी योजनाओं को भी इसी तरह से पहचान करें। रिपोर्ट के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केरल, हिमाचल और चंडीगढ़ का प्रदर्शन अव्वल रहा है, जबकि झारखंड और बिहार सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने में सबसे पीछे है। झारखंड 5 लक्ष्यों में तो बिहार 7 लक्ष्यों में पिछड़ गया। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत जिन 17 लक्ष्यों को हासिल करने में सफल नहीं दिख रहा है, उनमें SDG 1 में गरीबी का खात्मा, SDG 2 भूख मुक्त, SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और रहन सहन, SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, SDG 5 लैंगिक समानता, SDG 6 स्वच्छ जल और सफाई, SDG 7 किफायती स्वच्छ ऊर्जा, SDG 8 गरिमापूर्ण काम और आर्थिक विकास, SDG 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा, SDG 10 असमानता में कमी, SDG 11 स्थायी शहर और समुदाय, SDG 12 जवाबदेह उपभोग और उत्पादन, SDG 13 जलवायु के लिए कदम, SDG 14 पानी के अंदर जीवन, SDG 15 धरती पर जीवन, SDG 16 शांति, न्याय और मजबूत संस्थाएं, SDG 17 लक्ष्यों के लिए वैश्विक भागीदारी की मजबूती। रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरणीय प्रदर्शन सूचकांक के लिहाज से देखें तो 180 देशों की सूची में भारत का स्थान 168वां है। यह रैंक पर्यावरणीय सेहत, जलवायु, वायु प्रदूषण, सफाई, पेयजल, पारिस्थितिकी सेवाएं और जैव विविधता जैसे संकेतकों के आधार पर तय की जाती है। वहीं पर्यावरणीय स्वास्थ्य श्रेणी में भारत की रैंक 172 है। ये रैंक बताती है कि देश अपने नागरिकों को पर्यावरण सेहत के जोखिमों से कैसे बचाते हैं।
ऐसे में एक तरफ जहां भारत पहले ही कोरोना जैसी महामारी के कारण कई चुनौतियों का एक साथ सामना कर रहा है, ऊपर से इस रिपोर्ट ने चुनौतियों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज़।